नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात कमोडिटी मार्केट की और बाजार की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट का रुख है और फेड के फैसले का इंतज़ार है मार्केट को। और ऐसे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो गोल्ड में आज के लिए आप कारोबार करिए। और यहाँ पर बिपाली की सलाह है, ट्रस्ट लाइन के 27,850 का टारगेट होगा और 28,330 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है सिल्वर, जहां पे 40,350 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है, 39,850 का टारगेट होगा। और इसके अलावा कच्चा तेल, यहां पर रिकवरी आई है गिरावट के बाद, मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। और क्रूड में 3170 पर बाइंग की सलाह है, 3220 का टारगेट होगा, 3135 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। इन सब के अलावा अगर आप मेटल में ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉपर में बिकवाली की सलाह है, यहाँ पर आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, 385 पे 380 का टारगेट होगा। और साथ ही कुछ और काउंटर हैं जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। जीरा एक महत्वपूर्ण काउंटर है, जहाँ पर 16,800 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए और लक्ष्य होगा 17,050 का, 16,650 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कोरिएंडर में 6,700 का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होगा, बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा, 6,950 का टारगेट होगा, लेकिन 6,580 याद रखिए, 6,580 रुपये के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोयाबीन में चूंकि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, बम्पर क्रॉप है, तो बिकवाली की सलाह है 2,890 पर और 2,820 का टारगेट होगा, 2,925 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए।